कंवल शर्मा ने साल 1980 में मूवी बदला और बलिदान से एज ए डायरेक्टर बॉलीवुड में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेंद्र कुमार, विनोद मेहरा, आशा पारेख, देव कुमार, रंजीत और मौसमी चटर्जी शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1988 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई जीते हैं शान से। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त, गोविंदा, मंदाकिनी, डैनी और विजेता पंडित शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा रोमांटिक मूवी थी। इस मूवी का बजट 2,50,00,000 रुपए था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 4,20,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 5,50,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1988 में ही इनकी अगली मूवी आई मर मिटेंगे। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, माधवी, भानु प्रिया और शक्ति कपूर शामिल थे। ये एक एक्शन मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में अबव एवरेज रही। साल 1988 में ही इनकी अगली मूवी आई माला माल। इस मूवी के लीड कास्ट में नसीरुद्दीन शाह, आदित्य पंचोली, पूनम ढिल्लो, मंदाकिनी, सतीश शाह और अमजद खान शामिल थे। ये एक कॉमेडी मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1989 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई दाव पेच। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, भानु प्रिया, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर और बाप क्रिस्टो शामिल थे। ये एक एक्शन मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1989 में ही इनकी अगली मूवी आई उस्ताद। इस मूवी के लीड कास्ट में विनोद खन्ना, चंकी पांडे, जया प्रदा, किमी काटकर, आशा पारेख, बाप क्रिस्टो और डैनी शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,75,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 85,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 1,36,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1990 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई जिम्मेदार। इस मूवी के लीड कास्ट में राजीव कपूर, अनीता राज, किमी काटकर, रंजीत और विनोद मेहरा शामिल थे। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1990 में ही इनकी अगली मूवी आई पाप की कमाई। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, संगीता बिजलानी, शिल्पा शिरोडकर, रीता भादुड़ी, प्रेम चोपड़ा और गुलशन ग्रोवर शामिल थे। ये एक एक्शन मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,60,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1,20,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 2,08,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1990 में ही इनकी अगली मूवी आई गुनाहों का देवता। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, संगीता बिजलानी, आदित्य पंचोली, डैनी, शक्ति कपूर, परेश रावल और सुजाता मेहता शामिल थे। ये एक एक्शन मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,65,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 2,90,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 5,20,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1993 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई बेचैन। इस मूवी के लीड कास्ट में सिद्धांत सलारिया, मालविका तिवारी, रजा मुराद और शक्ति कपूर शामिल थे। ये एक एक्शन रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 1996 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई नमक। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय दत्त, फराह नाज, शम्मी कपूर, रजा मुराद, शक्ति कपूर और प्रेम चोपड़ा शामिल थे। ये एक एक्शन फैमिली ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,25,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 32,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 56,00,000 रुपए कमाए।
कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 1999 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई हीरा लाल पन्ना लाल। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, जॉनी लीवर, पायल मल्होत्रा, मोहन जोशी, शक्ति कपूर और प्रमोद माउतो शामिल थे। ये एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 1 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 84 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 1 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2012 में एज ए डायरेक्टर इनकी मूवी आई दिल्ली आई। इस मूवी के लीड कास्ट में राकेश बेदी, नितिन गुरवानी, रजत कपूर, दयाशंकर पांडे और डिंपल पटेल शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको कवल शर्मा की एज ए डायरेक्टर उनकी सभी मूवीज के बारे में बता दिया। कवल शर्मा की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।